Well, there we have confirmation that Pakistan have won the toss and they will bat first. It's Group B match. This could be the real contest. Oh, turn and bounce. Always leg spinners are exciting and they're the type of bowlers that could give you wickets. That is an absolutely brilliant delivery. To come in for the second delivery, we saw it first one, didn't we? Got some height. Look at this. It's got up above the eye line. Really brilliant. Fox the batsman. Just that last mistake. Kya baat hai? Turn. Well taken actually by the keeper who held the line. Aaj to lag raha hai But well done. Ye chal raha to main hoshi nahi. Maine kya khwab dekhne hain? ख्वाब तो वो लोग देखते हैं जिन्हें ताबीर मिलने की उम्मीद हो। सोबिया और मायूसी, कभी कभी हो जाती है मायूस में। इस बदतमीजी का मतलब किसी को उसकी औकात याद दिलाना बदतमीजी नहीं होती। ये तो जिस तरह तुम मेरे घर में दाखिल हुए हैं उसी से पता चलता है कि नई नई दौलत हाथ लगी है। शोएब नाम है मेरा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कैसर दुरानी का एक लौता बेटा। जद्दी पुश्ती रईस हूँ। और एक मासूम लड़की के कातिल भी। ये जुमला भी अपने तारुफ में शामिल कर लो, तुम्हारे रौब दौब में बहुत इजाफा हो जाएगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा तो तुमने नहीं किया, तुमने एक मासूम लड़की को कत्ल कर दिया। ये अच्छा किया? मुझे इनकार पसंद नहीं वकील साहब। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे इनकार मत करना। मेरी जिंदगी का मकसद तुम जैसे लोगों को सलाखों के पीछे या सलीब पर लटकते हुए देखना है। और अगर जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाए तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा? अपने बच्चों पर रहम करो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे खिलाफ केस लड़ने से तौबा कर लो, तौबा कर लो। कहाँ फंस गया मैं? कचरे के ढेर पर बने इस मोहल्ले में इस कदर खूबसूरत लड़की, क्या वाकई कीचड़ में कमल का फूल खिलता है? मैं समझता था ऐसी बातों का जिक्र सिर्फ शायरी में होता है, लेकिन ये तो हकीकत है। मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ, मैं किसी छोटे इलाके में शिफ्ट नहीं होने वाली। तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो अलीना? मैं थक गई हूँ। मोहब्बत करते करते तो आज तक कोई नहीं थका, तुम क्यों थक गई हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत में? बस कर दो शाहरुख, अब मैं मजीद ब्लैकमेल नहीं होने वाली। मोहब्बत की है तुमसे, बाप की मुखालफत जाके मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें याद होता ना तो मुझे यहाँ से शिफ्ट होने का तुम कभी नहीं कहते। अलीना, हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या करूं, बाप के आगे जाके भीख मांगूं? हेल्प का ये मतलब नहीं होता। तो फिर क्या होता है? कुछ दिन सबर कर लो, वो दिन दूर नहीं है अलीना जिसके हमने ख्वाब देखे। जिन लोगों के बीच में तुम बैठते हो ना
उन लोगों के ख्वाब आंखों से बहकर नीचे गिर जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। आ जाओ बच्चों, आज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हाथ धोने के स्टेप्स बताऊंगी, ठीक है? जी बाजी। जी बाजी। सब रेडी हैं? जी बाजी। ओके, तो हाथ धोने, अकेला पा गया ये। हाथ धोने का सबसे पहला स्टेप है पानी से हाथ गीले करना। स्टेप नंबर टू, साबुन को अच्छी तरह से अपने हाथों पर लगाना। स्टेप नंबर थ्री, उंगलियों को अच्छी तरह से मलें। स्टेप नंबर फोर, हाथों को अच्छी तरह से साबुन से मलें। स्टेप नंबर फाइव, दूसरे हाथों की उंगलियों से पहला हाथ धोएं। अब हाथों को तो फिर खुश कैसे करना है बाजी? हाथों को खुश कैसे करना है? टावल से? नहीं, हाथों को टावल से खुश नहीं करेंगे, हाथों को हवा में खुश करेंगे इस तरह से। टावल से साफ करने से दोबारा जरासीम लगने का खतरा होता है, समझ रहे हैं आप सर? जी बाजी। और हाथों को खुश कैसे करेंगे? ऐसे। शाबाश। थैंक यू अलीना। वो मैंने पिल डालने का फैसला कर लिया है। ये मशवरा तो मैंने ही तुम्हें दिया था, अब इसका क्या फायदा? वही जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं आ सकता। फिर एक और ख्वाब। हाथ सुनो अलीना, देखो ख्वाब के अंदर ही तो उसकी ताबीर हुआ करती है। अभी तक किसी ख्वाब की मैंने ताबीर नहीं देखी, फिर कानून अंधा हो या किस्मत बहरी होती है? मेरी बात सुनो, अंधे और बहरे लोग भी ख्वाब देखा करते हैं, नजर आए ना आए कचरे की बदबू सबको आती है। इससे हमें क्या फायदा होगा? शोहरत। मीडिया इस बात को उछालेगा, उन्हें रेटिंग मिलेगी, हमें क्या फायदा होगा? वकालत भी एक शोबिज है, यहाँ लोग टैलेंट कोई नहीं देखते, शोबाजियां देखते हैं बस। शोबाजियां ही तो कर रहे हो लीना। देखो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करना पड़ता है। एक दफा मशहूर हो जाऊंगा ना, फिर देखना लाखों के केसेस आएंगे मेरे पास, मैं बता रहा हूं। भाईजान, आज फहद सलीम साहब आए थे। फहद सलीम आया था, क्यों? वो कह रहा था कि मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा मिलता हुआ चला जाऊं। कल बुलाया है इसको। वो तुम्हारे भाई ने बुलाया था, जब मैं आया तो वो यहां पे था ही नहीं। अनायदा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे तुम्हारा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, पता नहीं कैसे बात को समझोगी तुम। तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगी। कौन है भाई? अंकल मैं हूँ आमिर, दरवाजा खोलिए। आमिर आओ। आमिर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो सॉरी अंकल। सॉरी? किस बात का सॉरी? वो मुझे आने में देर हो गई, वो एक्चुअली मैं अपने लिए ऑफिस देखने चला गया था। मगर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, आज 5 तारीख है, आज आपने मेरे पैसे लौटाने का वादा किया था ना। हाँ, आज 5 तारीख है और पैसे लौटाने थे, लेकिन आओ तो मैं अपने वादे का अंजाम दिखाऊं। आओ मेरे साथ, आओ जल्दी से आओ।
ये क्या हुआ अंकल? ये होता है सच बोलने और वादा निभाने का अंजाम। किसने किया है सब कुछ? मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि ये किसने किया है, ना मैं इस पोजीशन में हूं कि तुम्हें कुछ बता सकूं। मगर अंकल मेरे पैसे जब होंगे दे दूंगा। मगर अंकल मैंने कहा ना, मैं जब होंगे जब दे दूंगा, इस वक्त मैं किसी भी पोजीशन में नहीं हूं कि तुम्हें कोई भी बात कर सकूं तुमसे। जाओ यहां से, निकलो। मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करें आप प्लीज। तुम चाहते हो कि मैं इनकार कर दूं? इनकार सुनना चाहते हो? जी। मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, जाओ और जाकर अपने ससुर से बात करो। ना मैंने तुमसे उधार लिए, ना मैं तुम्हें दूंगा, और जब कभी होंगे तो दे भी दूंगा। जाओ यहां से। इस बात को समझने की कोशिश करें सर, मैं बहुत प्रॉब्लम। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो, मैं खुद बहुत टेंशन में हूं। मैंने सब कुछ थोड़ी यहां से। निकलो यहां से। बात तो सुने आप। निकलो यहां से। बात तो सुने, क्या कर रहे हैं आप ये? निकलो यहां से। अरे तुम लोग कहां गए आज? असलम भाई आपसे एक काम था। क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए? ये आमिर है, हमारा दोस्त है। वो आतिफ इसके पैसे नहीं दे रहा। आतिफ वकील? जी हाँ, वो मेरे ससुर शाहब सिद्दीकी के दोस्त हैं आतिफ साहब। मैंने अपने ससुर के कहने पे उनको 15 लाख रुपए दे दिए। अब मैं मांग रहा हूँ उनसे पैसे, तो वो देने में टाल मटोल कर रहे हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, सबूत तो नहीं है मेरे पास। सबूत नहीं है तो फिर क्या करें? क्या करें? कुछ ऐसा करो कि वो पूरे मोहल्ले के सामने तुमसे कहे कि उसने तुम्हें पैसे देने हैं। मकरूज है वो तुम्हारा, और कोशिश करना जब वो ये बात कर रहा हो तो उसको फोन पर रिकॉर्ड कर। मेरी जिंदगी की तो जी यही सारी जमा पूंजी है, अब वो मुकर गए तो मैं क्या करूंगा? अरे मेरे भाई नहीं मुकरेगा, हम है ना, मुकरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अजीब सी बात है, यानी इतने अरसे से मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ आतिफ साहब से, टाल मटोल कर रहे हैं, इतने अरसे से मैं घरतावाद बन के रह रहा हूँ, बुरा लगता है, बेगैरती बेगैरती सी फील होती है। तो वो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पैसे लेके अपना कुछ कारोबार शुरू करूँ। अभी ऐसा कोई काम किया है कि सांप ही मर जाओ लाठी ना टूटे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? कभी भी नहीं किया। देखो परेशान जब इंसान होता है ना तो परेशानी से कुछ नहीं होता, कुछ काम करने से परेशानी का हल होता है। जब तक वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? क्या? पियो। शुक्रिया मैं नहीं पीता। अरे कुछ नहीं होता, दिमाग को खोलने के लिए होती है, इससे आइडियाज आते हैं। हेलो, आतिफ साहब, आतिफ साहब, आमिर तुम फिर आ गए भाई, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? मसला मेरा नहीं है, मसला तेरा है पुठे, तेरा, तेरी इस खोपड़ी में, इस खोपड़ी में फतूर आ गया है। लगता है कहीं से नशा कर कर आए हो। अरे नशा तो मुझे मेरे ससुर ने पिलाया था, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई तेरे हवाले कर दी। तो जाके ससुर से बात करो ना। अरे पैसे तूने देने हो, जाके मैं अपने ससुर से बात करो। तुम्हें मेरी मजबूरी तो पता है। अरे बाहर में गई तेरी मजबूरी, मेरी मजबूरी का किसी को ख्याल नहीं है। देखो आमिर, अरे मुझे खुद देखना सुनना नहीं है, पैसे देने हैं क्या? नहीं बेटा मैं मुकर तो नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल दे दूंगा तुम्हें। तुझे मुकरने भी नहीं दूंगा, पूरे 15 लाख हैं, 15 लाख पूरे 15 लाख दूंगा मैं तुम्हें, मगर तुम मुझे छोड़ तो सही। तो निकाल अभी, अभी इसी वक्त सारे पैसे लेके जाऊंगा, निकाल पैसे, जब होंगे मैं दे दूंगा। इस तरह पूरे मोहल्ले के सामने गुंडागर्दी करने का क्या फायदा है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे शर्म तुझे नहीं आती?
मुझे यतीम और कमजोर समझ रखा है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, किसी गलतफहमी में मत रहना। शहाब सिद्दीकी साहब, आपका दामाद सरे राह मेरी बेइज्जती कर रहा है, देखे तो सही आप। क्या बदतमीजी है? अरे आप, आपका लिहाज करो अंकल, वरना मैं अब तक इसे इसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता। बस बंद करो। और आप लोग चलें, चलें आप लोग, क्या तमाशा लगा रखा, जाए। चलो मेरे साथ चलो, चलो। मैं मेरी मजबूरी तो पता है। अरे कहाँ में गई तेरी मजबूरी? अभी इसी वक्त सारे पैसे लेके जाऊंगा, निकाल पैसे। मुंगे में दे दूंगा, इस तरह पूरे मोहल्ले के सामने गुंडागर्दी करने का क्या फायदा है? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, किसी गलत फहमी में मत रहना।